नहीं सुनाई दे रही है। क्या सचमुच निठुर यमराज तुम्हें उस परलोक में ले गया जहां से फिर कोई लौट कर नहीं आता? श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब सम्राट चित्रकेतु ने देखा कि मेरी रानी अपने मृत पुत्र के लिए इस प्रकार भांति भांति से विलाप कर रही है, तब वे शोक से अत्यंत संतप्त हो फूट फूट कर रोने लगे। राजा रानी के इस प्रकार विलाप करने पर उनकी अनुगामी स्त्री पुरुष भी दुखित होकर रोने लगे। इस प्रकार सारा नगर ही सुख से अचेत सा हो गया। राजन, महर्षि अंगरा और देवऋषि नारद ने देखा कि राजा चित्रकेतु पुत्र शोक के कारण चेतनाहीन हो रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें समझाने वाला भी कोई नहीं है, तभी दोनों वहां आए। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण की षष्ठम स्कंद में 15वां अध्याय। राजा चित्रकेतु को महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद जी के उपदेश का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा चित्रकेतु शोकग्रस्त होकर मुर्दे के समान अपने मृत पुत्र के पास ही पड़े हुए थे। अब महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद उन्हें सुंदर सुंदर उक्तियों से समझाने लगे। उन्होंने कहा, राजेंद्र, जिसके लिए तुम इतना शोक कर रहे हो वह बालक इसी जन्म और पहले के जन्मों में तुम्हारा कौन था, उसके तुम कौन थे, और अगले जन्मों में भी उसके साथ तुम्हारा क्या संबंध रहेगा? जैसे जल के वेग से बालू के कण एक दूसरे से जुड़ते और बिछुड़ते रहते हैं, वैसे ही समय के प्रभाव में प्राणियों का भी मिलन और बिछोह होता रहता है। राजन, जैसे कुछ बीजों से दूसरे बीज उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान की माया से प्रेरित होकर प्राणियों से अन्य प्राणी उत्पन्न होते और नष्ट हो जाते हैं। राजन, हम तुम और हम लोगों के साथ इस जगत में जितने भी चराचर प्राणी वर्तमान हैं, वे सब अपने जन्म के पहले नहीं थे और मृत्यु के पश्चात नहीं रहेंगे। इससे सिद्ध है कि समय भी उनका अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सत्य वस्तु तो सब समय एक सी रहती है। भगवान ही समस्त प्राणियों के अधिपति हैं, उनमें जन्म मृत्यु आदि विकार बिल्कुल नहीं है, उन्हें ना किसी की इच्छा है और ना अपेक्षा। वे अपने आप परतंत्र प्राणियों की सृष्टि कर लेते हैं और उनके द्वारा अन्य प्राणियों की रचना पालन तथा संहार करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे घर घरों के खेल खिलौने बना बनाकर बिगाड़ते रहते हैं। हे परीक्षित, जैसे एक बीज से दूसरा बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही पिता की देह द्वारा माता की देह से पुत्र की देह उत्पन्न होती है। पिता माता और पुत्र जीव के रूप में देही हैं और बाह्य दृष्टि से केवल शरीर उनमें देही जीव घट आदि कार्यों में पृथ्वी के समान नित्य हैं। हे राजन, जैसे एक ही मृतका रूप वस्तु में घटत्व आदि जाति और घट आदि व्यक्तियों का विभाग केवल कल्पना मात्र है, उसी प्रकार यह देही और देही का विभाग भी अनादि एवं अविद्या कल्पित है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब महर्षि अंगिरा और देवऋषि नारद ने इस प्रकार राजा चित्रकेतु को समझाया बुझाया, तब उन्होंने कुछ धीरज धारण करके सुख से मुरझाए हुए मुख को हाथ से पोंछा और उनसे कहा। राजा चित्रकेतु बोले, आप दोनों परम ज्ञानवान और महान से भी महान जान पड़ते हैं तथा अपने को अवधूत वेश में छिपाकर यहाँ आए हैं, कृपा करके बतलाइए आप हैं कौन? मैं जानता हूँ कि बहुत से भगवान के प्यारे ब्रह्मवेत्ता मेरी जैसे विषय आशक्त प्राणियों को उपदेश करने के लिए उन्मत्त का सा भेष बनाकर पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते हैं। सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगरादेव, असिति, पापांतरतम, व्यास, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिलदेव, सुखदेव, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातुकर्म्य, आरुणी, रोमस, चवन, दत्तात्रेय, आसुरी, पतंजलि, वेदशिरा, बोध्यमुनि, पंचशिरा, हिरण्यनाव, कौशल्य, श्रुतदेव और इतिध्वज, ये सब तथा दूसरे सिद्धेश्वर ऋषि मुनि ज्ञानदान करने के लिए पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। स्वामियों, मैं विषय भोगों में फंसा हुआ मूढ़ बद्धि ग्राम्य पशु हूँ,
और अज्ञान की घोर अंधकार में डूब रहा हूँ, आप लोग मुझे ज्ञान की ज्योति से प्रकाश के केंद्र में लाइए। महर्षि अंगरा ने कहा, राजन जिस समय तुम पुत्र के लिए बहुत ललायत थी तब मैंने ही तुम्हें पुत्र दिया था। मैं अंगरा हूँ, ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवऋषि नारद जी हैं। जब हम लोगों ने देखा कि तुम पुत्र शोक के कारण बहुत ही घने अज्ञानंधकार में डूब रहे हो, तब सोचा कि तुम भगवान के भक्त हो, शोक करने योग्य नहीं हो, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही हम दोनों यहाँ आए हैं। राजन सच्ची बात तो ये है कि जो भगवान और ब्राह्मणों का भक्त है उसे किसी अवस्था में शोक नहीं करना चाहिए। जिस समय पहले मैं तुम्हारे घर आया था उसी समय मैं तुम्हें परम ज्ञान का उपदेश देता, परंतु मैंने देखा कि अभी तो तुम्हारे हृदय में पुत्र की उत्कट लालसा है, इसलिए उस समय तुम्हें ज्ञान ना देकर मैंने पुत्र ही दिया। अब तुम स्वयं अनुभव कर रहे हो कि पुत्रवानों को कितना दुख होता है। यही बात स्त्री घर धन विविध प्रकार की ऐश्वर्य संपत्तियां शब्द रूप रस आदि विषय राज्य वैभव पृथ्वी राज्य सेना खजाना सेवक अमात्य सगे संबंधी इष्ट मित्र सबके लिए है, क्योंकि ये सबके सब अनित्य हैं। सूरसेन अतएव ये सभी शोक मोह भय और दुख के कारण हैं, मन के खेल खिलौने हैं, सर्वथा कल्पित और मिथ्या हैं, क्योंकि ये न होने पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये एक क्षण दिखने पर भी दूसरे क्षण लुप्त हो जाते हैं। ये गंधर्व नगर स्वप्न जादू और मनोरथ की वस्तुओं के समान सर्वथा असत्य है। जो लोग कर्म वासनाओं से प्रेरित होकर विषयों का चिंतन करते रहते हैं उन्हीं का मन अनेक प्रकार के कर्मों की सृष्टि करता है। जीवात्मा का यह देह जो पंचभूत ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों का संघात है जीव को विविध प्रकार के क्लेश और संताप देने वाली कही जाती है। इसलिए तुम अपने मन को विषयों में भटकने से रोक कर शांत करो, स्वस्थ करो और फिर उस मन के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप का विचार करो तथा इस द्वैत ब्रह्म में नित्यत्व की बुद्धि छोड़कर परम शांति स्वरूप परमात्मा में स्थित हो जाओ। देवऋषि नारद ने कहा, राजन तुम एकाग्र चित्त से मुझसे यह मंत्रोपनिषद ग्रहण करो, इसे धारण करने से 7 रात में ही तुम्हें भगवान शंकरषण का दर्शन होगा। हे नरेंद्र, प्राचीन काल में भगवान शंकर आदि ने श्री शंकरषण देव के ही चरण कमलों का आश्रय लिया था, इससे उन्होंने द्वैत भ्रम का परित्याग कर दिया और उनकी उस महिमा को प्राप्त हुए जिससे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, समान भी नहीं है। तुम भी बहुत शीघ्र ही भगवान की उसी परम पद को प्राप्त कर लोगे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 6ष्ठम स्कंद में 16वां अध्याय चित्र केतु का वैराग्य तथा शंकरषण देव के दर्शन का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित तदंतर देवऋषि नारद ने मृत राजकुमार की जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा। देवऋषि नारद ने कहा, जीवात्मा तुम्हारा कल्याण हो, देखो तुम्हारे माता पिता सुहृद संबंधी तुम्हारे वियोग से अत्यंत शोकाकुल हो रहे हैं, इसलिए तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ ही रहकर व्यतीत करो। अपने पिता के दिए हुए भोगों को भोगो और राज सिंहासन पर बैठो। जीवात्मा ने कहा, देवऋषि जी मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग किसी जन्म में मेरे माता पिता हुए, विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई बंधु नाती गोती शत्रु मित्र मध्यस्थ उदासीन और दोषी होते रहते हैं। जैसे सुवर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे के पास जाती आती रहती हैं, वैसे ही जीव भी भिन्न भिन्न योनियों में उत्पन्न होता रहता है। इस प्रकार विचार करने से पता लगता है कि मनुष्य की अपेक्षा अधिक दिन ठहरने वाले सुवर्ण आदि पदार्थों का संबंध भी मनुष्यों के
साथ स्थाई नहीं क्षण की ही होता है, और जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु से ममता भी रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। यह जीव नित्य अविनाशी सूक्ष्म जनवादी रहते सबका आश्रय और स्वयं प्रकाश है। इसमें स्वरूपतः जन्म मृत्यु आदि कुछ भी नहीं है, फिर भी यह ईश्वर रूप होने के कारण अपनी माया के गुणों से ही अपने आपको विश्व के रूप में प्रकट कर देता है। इसका ना तो कोई अत्यंत प्रिय है और ना अप्रिय, ना अपना और ना पराया, क्योंकि गुण दोष हित अहित करने वाले मित्र शत्रु आदि की भिन्न भिन्न बुद्धि प्रवृत्तियों का यह अकेला ही साक्षी है। वास्तव में यह अद्वितीय है। यह आत्मा कार्य कारण का साक्षी और स्वतंत्र है, इसलिए यह शरीर आदि की गुण दोष अथवा कर्म फल को ग्रहण नहीं करता। सदा